अल्लाम आईकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैर ख़ैरियत से होंगे ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं मुबारक स्टार्ट होने में बहुत कम टाइम रह गया है बहुत ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं और ये देखें न्यूयॉर्क का वेदर और न्यूयॉर्क के रोड सुबहान्ला कहने को दिल करता है जब इतने प्यारे प्यारे नज़ारे नज़र आते हैं स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग जो कि मैंने स्टार्ट किया था सुबह के नाश्ते से एग्स बॉयल होने के लिए रख दिए है जब से, ये आया ना, तब से सफाई बड़ी मांगता है ये मजेदार इलायची वाली चाय बन रही है और आज मैंने नाश्ते में नमकीन पराठे बनाए है आई होप आप लोगों को सबको पता ही होगा कि नमकीन पराठे क्या हैं जब भी कोई सालन बच जाता है और मोस्टली ऐसा होता है कि मैं एक्स्ट्रा सालन बना ले ताकि हम नमकीन पराठे नाश्ते में खा सकें बहुत मज़े के बनते हैं एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट कोई भी ग्रेवी वाला सालन आप इसमें ऐड कर सकते हैं मोस्टली दालों के कढ़ी के बहुत मज़े के बनते हैं पराठे तो अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रोज़ सोचते सोचते भी व्लॉग अपलोड करने में इतनी ज़्यादा देर कर दी आजकल काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और मसरूफियत आजकल डबल की ट्रिपल हुई हुई है कुछ बच्चों की वजह से कुछ बच्चों को पढ़ाने की वजह से और रमज़ान मुबारक की तैयारी की वजह से चलें जी सबसे पहले हम सुबह सुबह अपना नाश्ता इन्जॉय कर लेते हैं और फिर हम आपके साथ आज की बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे और बर्तन है कि जान ही नहीं छोड़ते एब्रॉड में रहने वालों को पाकिस्तान की सहूलियात बहुत ज़्यादा याद आती हैं ऐसी बात नहीं है कि वहाँ काम नहीं होता काम तो वहाँ भी पूरा पूरा ही होता है लेकिन यह है कि वहाँ आपके पास हेल्पर्स होती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और बाज़ारों की अपॉर्चुनिटी तो आपके पास हर वक्त अवेलेबल होती है तो जब चाहें आप खाने की छुट्टी कर लें और बाहर से मंगवा लें तो यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स बाई योर ओन मेरी ममा कहती हैं दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है ना वो है इंसान की सेहत अगर सेहत अच्छी है तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है वही बात हो गई जी अच्छा जहाँ अच्छा और हम ना सेहत की कदर नहीं करते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है दो नियमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग इनकी कदर नहीं करते नंबर वन सेहत और नंबर टू फुर्सत अब देख लें आजकल कुछ ऐसा ही हाल मेरा चल रहा है बहुत रिग्रेट होता है मुझे जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा पूरा दिन काम में गुजर गया और फिर ये सोचकर थोड़ा सा सुकून मिलता है कि ये जो सारे काम किए जा रहे हैं ये इबादत करने के लिए ही किए जा रहे हैं अल्लाह पाक तोफीक दे आमीन आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ज्यादा स्पेशल है पहली बात ये कि ये मेरी मम्मा की बताई हुई है और दूसरी बात ये कि जब से मैंने इसको अपने ससुराल में बनाना शुरू किया है तो ये मेरी सिग्नेचर रेसिपी बन गई है रेसिपी मेरी मम्मा की और क्रेडिट मेरा सो सिंपल एंड इजी चिकन पकोड़े की रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ यह आपने ज़रूर जरूर, जरूर रमजान मुबारक में फ्रीज करके रखना है और फिर आप देखेंगे कि कितने झटपट से आप चिकन पकोड़ा फ्राई कर लेते हैं चिकन मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद लेकिन मैंने फिर भी इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है वॉश करने के बाद आपने इसको किसी स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि चिकन का एक्सेसिव वाटर सारा स्ट्रेन हो जाए और फिर अकॉर्डिंग टू द दीसेज ऑफ चिकन आपने इसके अंदर कट्स लगा लेने हैं लेग के अंदर टू टू, टू थ्री थ्री कट्स लगा लें ये इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये कच्ची ना रहे अच्छी तरह से पक जाए लेग पीस पर मैंने डीप और एक्स्ट्रा कट्स लगाए हैं बाकी जैसे भी आपके पास चिकन के पीसेज अवेलेबल हैं उसी हिसाब से आप इनको कट कर लें ऑलमोस्ट सेवन होल चिकन को मसाला लगाया है मैंने लेकिन जो बहुत ज़्यादा बोन्स वाले पीसेस थे उनको सेपरेट कर लिया है सम टाइम्स यखनी की पुलाव बनती है चिकन सूप बनता है तो उसके लिए हम उसको यूज़ कर लेंगे चलें जी चिकन को हमने कट कर लिया है अब हम इसको मसाला लगाते हैं सबसे पहले आपको चाहिए योगर्ट थिक सी योगर्ट ले लें स्पाइसेस में इसमें जाएगा जी सॉल्ट रेड पेपर क्रश्ड पेपर ब्लैक पेपर गरम मसाला पाउडर कोरिएंडर पाउडर हस्क ऑफ क्यूमिन सीड्स हस्क ऑफ़ कॉरेंडर सीड्स लेमन जूस टू लेमन इसके अंदर मैंने स्क्वीज़ किए हैं इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है विनेगर चाट मसाला शान का वो मैंने इसमें यूज़ किया था अगर आपके पास किसी और कंपनी का है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं ये सारे मसाले ऐड करने के बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है फूड अगर फूड कलर अवेलेबल ना हो तो आप इसके अंदर टिक्का मसाला या तंदूरी मसाला भी शान का ऐड कर सकते हैं उससे भी इसका कलर अच्छा सा हो जाता है एंड दिस बोथ थिंग्स आर ऑप्शनल ये सिर्फ और सिर्फ कलर ऐड करने के लिए इसमें मैं ऐड करती हूँ मेक श्योर sure कि ये जो भी मसाला आप लगा रहे हैं ये ड्राई चिकन में लगाएं पानी ना हो तो इससे ये होगा कि फ्राई करते वक्त आपका मसाला बिल्कुल भी नहीं उतरेगा अभी मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी इसमें बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं मेक श्योर टू वेयर ग्लव्स ग्लव्स पहनकर मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है गिव इट अ गुड गुड मिक्स और इस सारे मसाले की जो बाइंडिंग होगी वो होगी एग से थ्री एग्स मैंने इसके अंदर एड किए हैं बिग साइज के साबुत धनिया को सैंडविच बैग में डालकर इस तरह से मैंने थोड़ा सा कूट लिया था अगर आपके पास मोटर एंड पेंसिल है तो आप उससे भी कर सकते हैं आई मीन टू से हमाम दस्ता जिसे हम कहते हैं उसमें भी इसके हस्क बना सकते हैं थोड़ा सा ओपन हो जाए इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है चिकन में। so इस पर टेस्ट करना लाजमी है क्यूँकी मैं इतनी सारी क्वान्टिटी में पैकेट बनाकर फ्रीज कर दूंगी तो आई कॉन्ट टेक एनी एनी रिस्क मोस्टली होता है की लोग कच्चा चिकन नहीं चखते तो मेरा कोई खाना बगैर चखे नहीं बनता साथ साथ टेस्ट करती जाती है और साथ साथ स्पाइसीज एड करती जाती हूँ चलें जी परफेक्ट सा चिकन हमारा रेडी हो गया है इसको मैंने मैरिनेट कर दिया है आप चाहें तो इसे टू थ्री आवर्स के लिए छोड़ भी सकते हैं लगाकर एंड देन आप इसके पैकेट्स बना लें मुझे थोड़ी जल्दी थे तो मैंने राइट अवे पैकेट्स बना लिए हैं पैकेट्स बनाने के लिए मैंने सैंडविच बैग यूज़ किया है उसको जिप सील नहीं करना पड़ता ऑब्वियसली आपके हैंड्स ख़राब होते हैं और फिर वो सारा जिप लॉक और बहुत मैसीज सी सिचुएशन हो जाती है तो सैंडविच बैग में थोड़ा ईजी रहता है पहले ना मैं पैकेट्स बना बना कर टेबल पर रख रही थी एंड देन आई रियलाइज कहीं ऐसा ना हो कि टेबल पर कलर आ जाए और सारी टेबल ख़राब हो जाए और बाद में क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाए तो मैंने इस बॉल की लिड यूज़ कर ली थी और उस पर अपने सारे पैकेट सेट कर लिए हैं और फिर मैं आपको इस चिकन का फ्रिज तक का सफर भी दिखाती हूँ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं कुछ भी कमेंट में नहीं पूछते इनबॉक्स कर लेते हैं और इनबॉक्स करके पूछ लेते हैं सो so काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में पास कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू ऑल तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आया था कि फ्रिज के अंदर इतनी सारी चीज़ें कैसे एडजस्ट कर लेती हूँ तो इसका आंसर ये है कि मेरे पास डीप फ्रीजर है उसके अंदर मैंने सारी चीजें सेट की हैं लेकिन डीप फ्रीजर भी अब फुल हो चुका है और वो भी कह रहा है कि बस अब मुझे और ना भरे लेकिन अभी भी आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेयर करने वाली बाकी हैं तो हमें डीप फ्रीजर में भी थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने इसका जो लिक्विड था जो इसका पेस्ट था वो ज़ाया नहीं किया वो भी आप कोशिश कीजिएगा कि सैंडविच बैग के अंदर ही डाल दें चले अब इस चिकन को पहुंचाते हैं फ्रिज तक फ्रिज में मैंने इसको लिड के साथ ही एज इट इज रख दिया है जैसे ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाएगा इसके बाद मैं निकाल कर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं प्रॉपर इसकी स्पेस बनाती हूँ आफ्टर टू आवर्स चिकन ऐसा हो गया था कि ये अपनी शेप में आ गया था जिस शेप के अंदर मैंने बैग्स बनाए थे उसी शेप के अंदर ये फ्रीज हो चुका था तो फिर उसके बाद मैंने लिया है एक ऑर्गेनाइजर आप कोई भी बकेट ले सकते हैं और इस तरह से मैंने फिर इसकी सेटिंग कर दी है और बीच में मैंने की है प्लास्टिक बैग की लेयरिंग इससे ये होगा कि ये इजीली सेपरेट हो जाएगा अगर फ्रीज हो भी जाएगा तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी इसको निकालने में तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं एंड आई होप सो कि ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी तो अब ये देखें ये छोटी सी बाकेट बन गई है और इसको हम जाकर फ्रिज में सेट कर देंगे और ये बहुत ज्यादा स्पेस आपके ऑकुपाई नहीं करेगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें आपको मेरी टिप्स कैसी लगती हैं होता है समटाइम्स किसी को अच्छी नहीं लगती किसी को कोई मसला लगता है तो वो भी आप आराम से शेयर कर सकते हैं आई कैन इम्प्रूव बट फर्स्ट यू हैव टू से समथिंग चिकन का, का काम करने के बाद ऐसा लगता है हर चीज में से चिकन की स्मेल आ रही है ये मैं ही हूँ या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है और फिर ये कि हर चीज की डीप क्लीनिंग होनी होती है और आजकल तो ये व्लॉगिंग का काम चल रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फ़ोन किस तरह साफ होता होगा और फिर ट्राईपॉड स्टैंड कैसे साफ होता होगा लाइसॉल से मैंने सारी चीजें साफ़ कर ली हैं और ये देख लें ट्राईपॉड स्टैंड का क्या हाल हो गया है बेचारे का क्योंकि बार बार वीडियो पॉज करनी होती है बार बार वीडियो स्टार्ट करनी होती है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है कि आप बार बार हैंड वॉश करें और फिर बार बार उसको रिस्टार्ट करें तो चले अब मैंने कहा चले आप लोगों को अपना चिकन पकौड़ा फ्राई भी करके दिखा देती हूँ उसके लिए मैं वेजिटेबल राइस बना रही हूँ बच्चे भी शौक से खा लेंगे और हमने कहा चले चिकन पकौड़ा भी फ्राई हो जाएगा साथ साथ अब करना आपने ये है कि जब भी आपका चिकन पकोड़ा खाने का दिल करे आपने फ्रिज खोलना है एक पैकेट निकालना है उसको माइक्रोवेव करना है थ्री मिनट्स के लिए और यही मैं करती हूँ और अगर आपको पहले से याद आ जाए तो आप इसको पहले भी निकाल के डीप कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ओवन तो आप देखेंगे थोड़ा सा पानी चिकन का छुट गया है उसको आपने एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं इससे आपका चिकन बहुत ही क्रिस्पी एंड जूसी मजे का बनेगा अच्छी सी इस पर कॉर्न फ्लावर की कोटिंग कर लें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लें मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ और फ्राई करने का प्रोसेस कुछ ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फुल फ्लेम पर अपना घी गर्म कर लेना है फिर आपने इसमें चिकन ऐड करके लिड कवर कर देनी है मेक श्योर टू कवर द लिड कभी भी आपको ये कंप्लेन नहीं होगी कि चिकन कच्चा रह जाता है किचन चिकन कन्फ्यूजन सो मच कवर करने से ये होगा कि ये अपनी ही स्टीम में बहुत अच्छा सा गल जाएगा और आपका चिकन बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा 15 मिनट्स के अंदर अंदर आपका ये चिकन जबरदस्त रेडी हो जाएगा अब टाइम है आप लोगों के साथ आज की प्यारी बात शेयर करने का अल्लाह का महबूब बंदा कौन नहीं बनना चाहता वो तो सबकी ख्वाहिश होती है तो चले फिर अहादीसी नबी सल अल्लाह वाली को सुन लेते हैं नबी पाक सल अल्लाह वसलम ने फरमाया सबसे महबूब बंदा अल्लाह के नज़दीक वो है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाता है तो क्या है हम लोगों को फायदा पहुँचाने वाले क्या वाकई हम अल्लाह के महबूब बंदे बन सकते हैं तो अल्लाह का महबूब बंदा बनने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचा सकते हैं बास चीज़ें तो इंसान के इख्तियार में ही नहीं होती ना चले उनको तो छोड़ दें जो चीज़ें आपके इख्तियार में हैं आप उससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं तो आप लोगों के काम करें अल्लाह आपके काम करेगा आप लोगों के लिए आसानियाँ करें अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करेगा इट्स वेरी ईजी टू से बट हार्ड टू एक्ट तो मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको मुझे हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक दे और हम भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाएं ताकि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शुमार हो सकें आमीन अल्लाह आमीन। राइस हमारे रेडी हो गए हैं चिकन पकोड़ा मैंने फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक करती हूँ मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में थिंक पॉजिटिव स्टे पॉजिटिव बी पॉजिटिव हैव अल्लाह हाफिज